दोस्तों आप अपने मोबाइल में मौजूद बाइनेंस ऐप को ओपन कर लें। आपके सामने यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस है। आप यहाँ पर जो है देखें, आपको लॉन्च पूल ऊपर सर्च में लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अगर नहीं भी लिखा हुआ आ रहा तो यहाँ पर आपने लॉन्च पूल लिख लेना है, LAUNC, ठीक है। लॉन्च पूल लिखेंगे, लॉन्च पैड आपके सामने आ जाएगा। लॉन्च पूल भी है, लॉन्च पैड एक बात है। यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। देखें यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो अभी हमारे सामने एक प्रोजेक्ट ओपन हो जाता है। इस प्रोजेक्ट का नाम है ओमनी, ठीक है। यहाँ पर ये ओमनी प्रोजेक्ट है और ये अपकमिंग है, ठीक है। अभी जो देखें, अभी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पर, अभी हमारे पास 7 आवर्स यानी कि मौजूद हैं, जिस पर हम जो है प्री लॉन्चिंग में अभी अपनी अमाउंट लगा देते हैं, ठीक है। तो जब ये 7 घंटों बाद ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाएगा, इस 7 घंटों बाद इस प्रोजेक्ट में हम जो है हिस्सा डल जाएगा हमारा, ठीक है। तो उसके बाद ये 4 डेज़ का हमारे पास ये टाइम पीरियड रहेगा, ठीक है। और अगर आप चेक करें तो इसके टोटल रिवार्ड जो डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो 35 लाख जो है रिवार्ड इसके डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और ये आपको मिलेगा FDUSD पोल पर, आप यानी कि FDSD आपके पास करेंसी होनी चाहिए या BNB की करेंसी आपके पास मौजूद होनी चाहिए। जो BNB पर आपको मिलेगा रिवार्ड इसका 85% मिलेगा और FDUSD पर आपको जो है 15% मिलेगा। और अगर हम इस प्रोजेक्ट की डिटेल की बात करें तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो मैं आपको इसकी प्रोजेक्ट कुछ डिटेल देता हूँ। तो यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट इन्फो में आता हूँ, ठीक है। प्रोजेक्ट इन्फो में अगर आऊँ तो यहाँ पर देखें इसकी वेबसाइट है, वाइट पेपर है, ओमनी रिसर्च रिपोर्ट है। और मैं यहाँ पर इसकी डिटेल रूल्स पर क्लिक कर देता हूँ। पहले मैं जल्दी से आपको इसे कुछ रूल्स दिखा देता हूँ तो आपको कुछ समझ आएगी। यहाँ पर देखें अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंट्रोड्यूसिंग ओमनी नेटवर्क, ओमनी ऑन बाइनेंस लॉन्च पूल फॉर्म ओमनी बाय स्टेकिंग BNB एंड FDUSD, ठीक है। आप BNB को या FDUSD को स्टेकिंग पर लगा करके जो है यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पर देखें बाइनेंस एक्साइटेड टू अनाउंस द 52 NDE प्रोजेक्ट ऑन बाइनेंस, यानी कि ये 52वां प्रोजेक्ट है बाइनेंस के लॉन्च पूल पर। इससे पहले 51 प्रोजेक्ट ये लॉन्च कर चुका है और Layer 1 की ये ब्लॉकचेन पर जो है ये टोटली वर्क करते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसकी लिस्टिंग के लिए आप बाइनेंस वेल्ट दिन लिस्ट ओमनी ये देख लें आप। ये इसकी डेट आपको नज़र आ रही है 12 UTC, ठीक है, यानी कि 17 अप्रैल को 12 UTC, यानी कि इस पर जो है एंड ओपन ट्रेडिंग विद ओमनी। आप इस पर ट्रेड वगैरह भी कर सकते हैं BTC वगैरह के अगेंस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर टोकन नेम आ गया ओमनी नेटवर्क और टोकन इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई है वो 10 करोड़ है और जो लॉन्च पोल पर टोकन रिवार्ड मिलेगा वो 35 लाख मिलेगा। जो इसकी इनिशियल सर्कुलेटिंग सप्लाई होगी वो यहाँ पर आप देख लें, आपको जो तकरीबन 1 करोड़ 3 लाख यानी 1 करोड़ 4 लाख के करीब जो है इसकी इनिशियल सर्कुलेटिंग सप्लाई होगी। देखें इस प्रोजेक्ट से लगता है कि प्रोजेक्ट अच्छा फ़ायदा दे सकता है। टोटल इसकी 10 करोड़ इसकी मैक्सिमम सप्लाई है और अभी जो इसकी शुरू में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो 1 करोड़ के करीब जो है, यानी 1 करोड़ से कुछ थोड़े से ज़्यादा 3-4 लाख क्वाइंट ज़्यादा ये सप्लाई कर रहे हैं जिस पर, ठीक है। ओमनी 10.39% ऑफ द मैक्सिमम टोकन सप्लाई, अभी जो है टोटल सप्लाई का जो है ये 10% दे रहे हैं, ठीक है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसकी अगर आप देख लें इथेरियम की, उस पर स्टेकिंग टर्म्स KYC रिक्वायर्ड वगैरह, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें नीचे इसकी डिटेल देखें तो इसकी आपको मतलब मज़ीद इसकी डिटेल वगैरह आपको नज़र आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट डिटेल में जा करके प्रोजेक्ट की जो है हमें काफ़ी जो डिटेल अच्छी लगी है मुझे। अब आपने इस पर काम क्या करना है उसको मैं बैक पर ले चलता हूँ। यहाँ पर आपने आ जाना है, यहाँ पर आने के बाद यहाँ से आप पोल में आ जाते हैं, ठीक है। दोबारा आप पोल में आ जाएँ, ठीक हो गया। और यहाँ पर आपने ये देखें अभी FDUSD का जो हमें देखें ये आगे बटन विजिबल नज़र नहीं आ रहा, तो इस पर हमें सर्कुलेट इस पर जो है हमें सप्लाई भी इस पर हमें जो रिवार्ड भी काम मिल रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं स्टेक पर क्लिक कर देता हूँ BNB के स्टेक पर। BNB स्टेक पर क्लिक करके सबसे पहले आपको एक चीज़ बताऊँ कि आपके BNB आपके पास मौजूद होने चाहिए आपके स्पॉट वॉलेट में। अब आपने ट्रेड पर जाना है, ट्रेड पर चले जाना है, स्पॉट ट्रेड में जा करके आपने USDT के आपके पास जितने भी USDT होंगे आप पेयर सेलेक्ट करें, BNB USDT का पेयर सेलेक्ट कर लें और आप मार्केट सेलेक्ट करके जो है अभी मिल के आपको तरीका भी बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए प्रॉपर कि किस तरह से करना है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से होम पर आ जाता हूँ, यहाँ से मैं बैक पर मज़ीद चला जाता हूँ। आप यहाँ से ट्रेड पर आ जाएंगे, ठीक है। ट्रेड पर आने के बाद आपने क्या कर देना है, यहाँ पर देखें स्पॉट ट्रेड आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है कोई भी पेयर होगा, आपने यहाँ पर BNB USDT सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। BNB USDT करेंगे आप, देखें आपके सामने BNB USDT आ जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर मार्केट को सिलेक्ट कर लेना है, लेकिन लिमिट होगा मार्केट सेलेक्ट करके। आपके पास जितनी भी अमाउंट होगी आप उतनी अमाउंट लगाना चाहते हैं, अमाउंट बाय BNB पर क्लिक कर दें, आपके BNB बाय हो जाएंगे। अभी देखिए दोबारा मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वीडियो बनाने के दौरान यहाँ पर ये देखिए हमें FDUSD का स्टेकिंग वाला भी ऑप्शन मिल चुका है, लेकिन मैं BNB पूल पर करूँगा, ठीक है। BNB पर मैंने क्लिक कर दिया और उसके बाद यहाँ पर देखिए हम स्टेक पर क्लिक कर देते हैं, दोबारा स्टेक पर क्लिक कर दिया और मैंने आपको तरीका बता दिया। अब मेरे पास जितने भी BNB पड़े हुए मैं मैक्स पर क्लिक करता हूँ, मैक्स पर क्लिक करके मैं यहाँ पर स्टेक पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है।
तो आप देखें सक्सेसफुली स्टेक बीएनबी, तो मेरे बीएनबी यहां पर सक्सेसफुली लग चुके हैं। यहां पर देखें अभी हमारा ये आर्डर 0.1584 बीएनबी का यहां पर ये परचेज़ हो चुका है। ज़ीरो ओमनी ट्रेड रिवार्ड रिसीव, जो भी मेरा रिवार्ड रिसीव होगा वो यहाँ पर मुझे नज़र आ जाएगा। अनक्लेम्ड रिवार्ड यहाँ पर देखें जो होगा, मैं यहाँ पर क्लेम पर क्लिक कर दूँगा, ट्रेड करना चाहूँ मैं ट्रेड पर क्लिक कर दूँगा। लेकिन ये फोर डेज़ का मेरे पास टाइम है, फोर डेज़ के लिए मेरी अमाउंट यहाँ पर लग चुकी है, स्टेक हो चुकी है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखें एक रिडीम का भी बटन नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर देखें रिडीम पर क्लिक करके अगर आप किसी भी वक्त से निकालना चाहें तो आप मैक्स पर क्लिक करके रिडीम पर क्लिक करके अपनी अमाउंट को निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपका रिडीम हो जाएगा, जो आपकी अमाउंट है वो जो आपने लगाई है वो आप फोर डेज़ बाद या अभी किसी भी वक्त रिडीम कर सकते हैं, और जो आपको यहाँ पर रिवार्ड मिलेगा आपने क्लेम पर क्लिक करके यहाँ से अपना रिवार्ड कलेक्ट कर लेना है। इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल भी मिस ना करें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अगर आपका बाइनेंस अकाउंट नहीं बना हुआ, बाइनेंस का अकाउंट खोल तो अकाउंट बना लें, और अकाउंट बनाने के बाद वीडियो देख करके अकाउंट बना लें, वेरीफाई कर लें, अमाउंट डिपॉजिट कर लें अपने पास, जितने भी आपके पास जितने भी डॉलर हैं बीएनबी परचेज करें और स्टेकिंग पर लगा दें। इंशाल्लाह आपको इससे अच्छा प्रॉफिट होगा सिर्फ फोर डेज।